आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम प्रेजेंट करेंगे वो है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच पोल्यूट्स वाटर एयर और लैंड। व्यूवर्स हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं पोल्यूटेंट्स क्या है कि दो सब्सटेंसेस विच पोल्यूट्स वाटर एयर और लैंड, लैंड में अर्थ। इसके साथ व्यूवर्स एक और टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, कंटेमिनेंट्स। व्यूअर्स कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं? कंटेमिनेंट्स दो सब्सटेंसेस विच मेक्स समथिंग इम्प्योर। जैसे व्यूअर्स वाटर में सॉयल या सैंड पार्टिकल या कोई और इम्प्योरिटीज मिक्स अप हो तो वो बेसिकली पोल्यूशन नहीं है, वो बेसिकली कंटेमिनेशन है। यानी हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे कंटेमिनेंट्स जिसने किसी चीज को इम्प्योर किया है। अभी बस पोल्यूशन जो है बेसिकली उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स की सिवियरिटी चेक करनी हो अगर तो उसके लिए भी हम फैक्टर्स देखते हैं टू चेक द सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसके व्यूअर्स तीन फैक्टर है बेसिक। फर्स्ट है नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स के ये लो कंसंट्रेशन पे है या हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है, और थर्ड है परसिस्टेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स कि इनकी जो लाइफ टाइम है नेचर में वो कितनी है, यानी कि लाइफ स्पैन टाइम इनका कितना है, कम है या ज्यादा है, उस बेस पे भी ये पोल्यूशन कास्ट करती है। अभी बस हम देखते हैं नेक्स्ट के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं पोल्यूटेंट्स की। टाइप्स मोस्टली व्यूअर्स हम कंसीडर करते हैं टू टाइप्स है इनकी मेनली, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। व्यूअर्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दोज पोल्यूटेंट्स है विच ड्रिवन आउट डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। किसी भी सोर्स से जो भी पोल्यूटेंट एग्जॉस्ट होगा डायरेक्टली उसे हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इनमें मोस्टली जो हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं वो हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन ऑक्साइड्स। कार्बन ऑक्साइड्स में व्यूअर्स कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी तरह सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि हम इन्हें जनरली रिप्रेजेंट करते हैं COX, NOX, SOX, यानी कोई भी ऑक्साइड इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हो सकते हैं, HF, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स व्यूअर्स देखते हैं दोज पोल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। व्यूअर्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर में वकूअ पज़ीर होंगे उनके नतीजे में जो नए पोल्यूटेंट्स बनेंगे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके सामने, ये हमारे पास लेट्स सपोज SO3 है, जब रेन वाटर के साथ ये कंबाइन करता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है ड्यूरिंग रेन इसे हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसी तरह व्यूअर्स कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास हासिल होता है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह व्यूअर्स ओजोन, ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो फोटोकॉपियर मशीन के पास इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में फॉर्मेशन होती है इसकी, तो ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके साथ व्यूअर्स PAN यानी परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अब ये इनकी जो व्यूअर्स सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है फिर वही तीन फैक्टर्स के ऊपर कि इनकी नेचर क्या है,
कंसंट्रेशन कैसी है इनकी, कम है ज्यादा है, और परसिस्टेंस यानी लाइफ स्पैन इनका कितना है, कितना टाइम है इनके एग्जिस्टेंस का, तो इस बेस पे ये सिवियरिटी कास्ट करती हैं। अभी बस हम देखते हैं कुछ सोर्सेज कि जैसे ये प्लूटेंट्स है प्राइमरी या सेकेंडरी प्लूटेंट्स, इनके नेचर में सोर्सेज क्या है, कैसे हमें ये हासिल होते हैं। तो हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो व्यूअर्स सोर्सेज में हमारे पास में मोस्टली टू सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स और बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अभी बस नेचुरल जो सोर्स है इनके वो मोस्टली हमारे पास है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकंपोजिशन, इसे हम डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या डीकंपोजिशन मोस्टली हम कंसिडर करते हैं, सेम मेथड ही है क्योंकि बैक्टीरियल डिके है ये बेसिकली, और बैक्टीरियल डिके को ही डीकंपोजिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट व्यूअर्स इसके साथ फॉरेस्ट फायर नेचुरल सोर्स है एलिमिनेशन या एग्जॉस्ट ऑफ कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स का। नेक्स्ट व्यूअर्स है वोल्केनिक इरप्शन। अभी बस वोल्केनिक इरप्शन होता है कि बेसिकली जो आतिशबाजी पहाड़ जब फटती हैं तो उनसे जो धुआं रिलीज हो रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स होती हैं, कार्बन के भी, नाइट्रोजन के भी, सल्फर के भी, तो ये भी बेसिकली उनका सोर्स है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी सोर्स है पोल्यूटेंट्स का उसमें हमारे पास है फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। अभी बस फॉसिल फ्यूल कंबस्शन जो है ये हम डिफरेंट जगह पे करते हैं जिसमें मोस्टली थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में हम यूजली कोल यूज करते हैं या फ्यूल यूज करते हैं ड्यूरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा व्यूअर्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए फ्यूल यूज किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट जो है प्रॉपर अपनी वर्किंग कर सके। इसके साथ व्यूअर्स इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी किसी भी केमिकल या किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए फ्यूल यूज किया जाता है उसको हम कंबस्शन में ही काउंट करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मोस्टली जितनी भी पोल्यूशन है उसके जो काजिंग एजेंट है मीन्स के पोल्यूटेंट्स उसका 80% जो प्रोडक्शन है वो बाय ह्यूमन एक्टिविटी है सोर्स उसका, और 20% जो है वो है नेचुरल एक्टिविटी से। तो जो 20% नेचुरल एक्टिविटी है वो इतना काजिंग इफेक्ट कास्ट नहीं करती, जबकि ह्यूमन एक्टिविटी से मोस्टली पोल्यूशन काज होती है और इससे डिफरेंट डिजीजेस भी इंसानों में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में काज होती हैं। व्यूअर्स आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नई नई लेक्चर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।